हल्के कोहरे व सर्द सुबह नगर में पहली बार हनुमान अष्टमी के अवसर पर बेटमा के राजवाड़ा चौक स्थित मीठी बावड़ी हनुमान मंदिर के बाबा हनुमान जी महाराज भक्तों का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकले। वहीं इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने संसद भवन दिल्ली से इस आयोजन हेतु बधाई संदेश भेजा है। बालाजी भक्त मंडल ने इस आयोजन को भव्य ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रभात फेरी को नए स्वरूप में मनाने का निर्णय लिया, जिसमें सुबह 7 बजे से प्रभात फेरी प्रारंभ की गई। प्रभात फेरी का खास आकर्षण हरियाणा के बाहुबली हनुमान जी रहे। इसके साथ ही सुसज्जित रथ में हनुमान जी महाराज को प्रतीक स्वरूप में शामिल किया गया था। प्रभात फेरी में प्रसिद्ध भजन गायक प्रदीप परमार और स्वाति कोल ने एक से बढ़कर एक सुमधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी। इसके साथ ही उज्जैन की भस्म रमैया टोली ने ढोल नगाड़ों झांझ मांजरे का शानदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मीठी बावड़ी स्थित मंदिर को विशेष रूप से श्रृंगारित किया गया था। प्रभात फेरी में महिलाओं का एक दल भजनों की प्रस्तुतियां दे रहा था तो दूसरा दल हरि नाम का जप करते हुए चल रहा था। प्रभात फेरी राजबाड़ा से प्रारंभ होकर पूरा बाजार, त्रिवेणी मंच, गौली मोहल्ला, पूरा बाजार, सोसाइटी रोड, अंबेडकर चौराहे होते हुए पुनः मंदिर पहुंची। प्रभात फेरी का अनेक स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। साथ ही शाम 5 बजे से भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें नगर व आसपास से आए ग्रामीणों ने महाप्रसादी ग्रहण की। बैठमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। Thank you.
बेटमा नगर में हनुमान अष्टमी का वो आयोजन रखा गया है और सुबह प्रभात फेरी भी निकाली और हर नगर में बेटमा नगर में सभी मार्गों में से पुष्पों की वर्षा हुई है और शाम को 4 बजे भंडारा का आयोजन भी है और बालाजी की महाआरती का आयोजन भी रखा गया है। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। हनुमान अष्टमी के पावन पर्व पर निकाली गई प्रभात फेरी जिसमें आप सबके बीच हरियाणा से हमारे आए बाहुबली हनुमान जी एक सुसज्जित रथ जिसमें भगवान विराजे साथ में एक बालाजी की झांकी उज्जैन के भस्म रमैया जिनको पूरे बेटमा ने निहारा और खूब आशीर्वाद दिया। हम आगे भी आशा करते हैं, मीठी बावड़ी भक्त मंडल आपसे निवेदन करता है कि प्रत्येक वर्ष हमें इस व्यवस्था में सहयोग दें और शाम को जो विशाल भंडारा रखा गया है करीब 20,000 लोगों का उसमें भी आप तन मन धन से सहयोग दें। आज हनुमान अष्टमी के इस पावन अवसर पर मीठी बावड़ी भक्त मंडल द्वारा मीठी बावड़ी से शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें सभी नगर की जनता ने, महिलाओं ने और सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये प्रथम वर्ष ही आयोजन था। इस ये सफल आयोजन के लिए अब हम सबको प्रेरणा मिली कि यह आयोजन अब हर वर्ष इसी तरीके से करा जाएगा जिसमें बेटमा की जनता का सहयोग खूब अच्छा से मिला है और शाम को भंडारा है। शाम को भंडारे में सभी नगर की जनताओं से अपील भी की गई है कि यहाँ से अधिक भंडारे के अंदर पधारें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अष्टमी के पावन पर्व पर बेटमा नगर में सर्वप्रथम अद्भुत अनुपम और भव्य प्रभात फेरी का आयोजन हुआ। सभी भक्तों ने प्रभु के खूब इसका आनंद लिया। पूरे देश के कई मंडल रथ झांकियां इसमें आई, सभी ने परम आनंद की प्राप्ति की और सभी भक्तों का यह मत है कि ऐसे आयोजन प्रतिवर्ष आयोजित हो और शाम को आने वाले जो भंडारा है उसमें भी परम आनंद और परम आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। जय जय सियाराम। बेटमा नगर में 16 दिसंबर यानी शुक्रवार को हनुमान अष्टमी के अवसर पर विशाल भंडारा और प्रभात फेरी का पहली बार आयोजन किया जा रहा है। मीठी बावड़ी बालाजी भक्त मंडल के साथ साथ बेटमा वासियों मिलकर यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आप सभी जन धर्म प्रेमी जनता से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में आके पुण्य लाभ उठाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।